वेलकम बैक टू योर चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। 4 दिसंबर के करेंट अफेयर की वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा कि विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है और हाल ही में मॉरिशस का राष्ट्रपति किसे चुना गया, ठीक है। तो इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों पर फोकस कीजिएगा और यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे द सुधीर पांडे सर्च करके आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में मॉरिशस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि पृथ्वी राज सिंह रूपन को हाल ही में राष्ट्रपति चुना गया, कहां का? मॉरिशस का, ठीक है। तो याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में बैलन डी आर पुरस्कार जीता है। तो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, लियोनल मेसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, चीन की सिचुआन एयरलाइंस ने हाल ही में किस देश के लिए मालवाहक विमान सेवा शुरू की है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चूँकि एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, क्योंकि भारत के साथ ऐसा हुआ है, यानी कि भारत देश के लिए चीन की एयरलाइंस जो है सिचुआन ने मालवाहक अपना ढोने के लिए एग्रीमेंट कर लिया है। ये जो विमान होगा ये सप्ताह में 2 बार आएगा, सप्ताह में 2 बार सफ़र करेगा और ये चीन के शांसी प्रांत से दिल्ली तक आएगा, यानी दिल्ली से लेकर के चीन के शांसी प्रांत तक 2 बार माल आएगा और जाएगा सप्ताह में, समझ पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, किस देश ने हाल ही में अमेरिकी सेना और गैर सरकारी संगठन घोषणा किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन ए यानी कि चीन, ठीक है। तो चीन ने ऐसा किया है कि अमेरिकी युद्धपोत को हांगकांग भेजने संबंधी अमेरिका के आवेदन को रद्द कर दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा। तो आपको बता दें कि ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया जो यह कैमरा है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित होगा और इस कैमरा में, ये कैमरा की खासियत ये है कि ये हर मौसम में सक्षम है, जाड़ा गर्मी बरसात में कोई भी इसको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो ये इसका उद्देश्य सरकार का बेसिकली ये है कि सड़क हादसा जो मोबाइल फ़ोन के दौरान होता है, बात करने के दौरान मोबाइल फ़ोन से, उसको कम करने में मदद मिलेगी, ऐसा ऑस्ट्रेलिया की सरकार का कहना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, चूँकि आपके एग्जाम में डेट से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से किस दिन विकलांगता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने हैं, यदि ऑप्शन नंबर सी के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यानी कि 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। और आप इस चीज़ को भी ध्यान रख सकते हैं कि 1992 से मनाया जा रहा है, 1992 से इस चीज़ को मनाया जा रहा है, विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को, ठीक है। तो आज के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको लिख लीजिएगा या कि फिर याद कर लीजिएगा। ऑप्शंस में जैसे ही आपको दिखेंगे एग्जाम में ऑप्शन, तो आप सिंपली इसको सही कर पाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।